किसी ने क्या खूब कहा है, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी हमें सिखाएगी दुनिया का असली खजाना कहाँ छुपा है और उसे कैसे पहचानें और कैसे उसे पाएं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है असली खजाना। लंबे समय से बीमारी में चल रहे दादाजी की तबीयत अचानक ही बहुत अधिक बिगड़ गई। दादी का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। बड़ा बेटा उनकी देखभाल करता था। अंतिम समय जानकर उन्होंने अपने चारों बहु बेटों को पास बुलाया, पर जिस दिन सब इकट्ठा हुए उस दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने इशारे से कलम मांगी और एक कागज पर कांपते हाथों से कुछ लिखने लगे, पर जैसे ही उन्होंने एक शब्द लिखा उनकी मौत हो गई। कागज पे आम लिखा देख सबने सोचा कि शायद वे अंतिम समय में अपना पसंदीदा फल आम खाना चाहते थे। उनकी आखिरी इच्छा जानकर उनके मृत्यु भोज में कई कुंटल आम बांटे गए। कुछ समय बाद भाइयों ने पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचने का फैसला कर लिया और एक बिल्डर को अच्छे दाम में सब कुछ बेच दिया। बिल्डर ने कुछ दिन बाद जब वहां काम लगवाया, पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जाने लगी, बागीचे के पेड़ पौधे उखाड़े जाने लगे, और उस दिन जब आम का पेड़ उखाड़ा गया तो मजदूरों की आंखें फटी की फटी रह गई। पेड़ के ठीक नीचे दशकों से गड़ा एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था। बिल्डर ने फौरन मजदूरों को पीछे किया और संदूक खोलने लगा। संदूक में कई करोड़ मूल्य के हीरे जवाहरात चमचमा रहे थे। बिल्डर मानो खुशी से पागल हो गया। जितने की प्रॉपर्टी नहीं थी, उसकी 100 गुना कीमत वाले खजाने पर अब उसका हक था। भाइयों को जब इस बारे में पता चला तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाए, पर फैसला बिल्डर के हक में गए। चारों भाई जब एक दिन मुंह लटकाए बैठे थे, तभी अचानक छोटा भाई बोला, अरे उस दिन बाबू जी ने इसीलिए कागज पर आम लिखा था, क्योंकि उन्हें आम खाना नहीं था, वो तो हमें खजाने का पता बताना चाहते थे। चारों बेटे मन ही मन सोचने लगे, जीवन भर हम उस पेड़ के इर्द गिर्द रहे, कितनी बार उस पे चढ़े उतरे, उस जमीन पर चहल कदमी की, वो खजाना तब भी वही पड़ा हुआ था, पर हम उसके बारे में कुछ नहीं जान पाए और अंत में वो हमारे हाथ से निकल गया। काश बाबूजी ने पहले ही हमें उसके बारे में बता दिया होता। दोस्तों, खजाना सिर्फ जमीन के नीचे नहीं छिपा होता, असली खजाना हमारे भीतर छिपा होता है और वो हीरे जवाहरातों से अधिक कहीं मूल्यवान होता है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग उस खजाने को कभी पा नहीं पाते, वो कभी भी अपनी अधिकतम क्षमता की पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से सोचने करने की कोशिश ही नहीं करते। आम लिख दिया मतलब आम खजाना है, कुछ और दिमाग ही मत लगाओ, सोचो ही मत, जैसे जिंदगी चल रही है चलने दो, जैसे सब करते आए हैं वैसे ही करते जाओ, रिस्क मत लो, पैदा हो, पढ़ो लिखो, नौकरी धंधा करो, परिवार बनाओ, दुनिया से चले जाओ। अरबों लोग यही करते आ रहे हैं, हमने भी यही कर लिया तो क्या। अरे जागो भाई, अपने खजाने को बर्बाद मत होने दो, कुरेदो अपने अंदर की परतों को, पता करो उस महान चीज या खजाने के बारे में जिसे तुम करने के लिए पैदा हुए हो। अपनी विशेषता, अपनी पहचान को भीड़ के पैरों तले कुचलने मत दो, और तभी आप असली खजाने के हकदार हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि आपके अंदर असली खजाना छुपा हुआ है, आप उसको पहचाने और अपने अंदर की काबिलियत को निकालें।
और इस चीज को पाने के लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे इसके लिए प्रेस बेल आइकन।